हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट या फिर पत्राचार का फॉर्म भर चुके हैं, या तो फिर भरने वाले हैं, और या तो फिर ऐसे हैं जो भर नहीं पा रहे हैं और आप लोगों का डेटा नॉट फाउंड बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। और शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जिसको भी दिक्कत है, जिसे भी प्रॉब्लम हो रही फॉर्म भरने में, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हम आपकी अच्छे से हेल्प कर देंगे। लेकिन वही है ना कि आप लोगों को तो लेट फीस देनी है। अब अगर 20 तक आपका फॉर्म नहीं भर गया तो 100% आपको 2000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। और आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जिनका फॉर्म ही नहीं ओपन हो रहा है। तो खैर बच्चों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। चूँकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप लोगों से, बहुत सारे बच्चों से प्रूफ भी दिखाया था और आपको बताया था कि आप में से बहुत सारे बच्चों से सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस ले ली है। अगर अभी आपको देखना है तो किसी और का प्रूफ देखने से बेटर है कि आप अपना खुद का कंफर्मेशन पेज देखिए, चाहे आप सीबीएसई के क्लास 10th में हों या क्लास 12th में हों, और चेक कीजिए कि क्या आपसे भी सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिकल की फ़ीस चार्ज की है। बच्चों, जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि जो बच्चे 2021 के हैं, मतलब जो पिछले साल के हैं, जिनका एग्ज़ाम कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, उन बच्चों का जो मार्क्स होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सीबीएसई के। आपको पता होगा कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाले बच्चे होते हैं उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा जो फेल्योर कैटेगरी के बच्चे होते हैं उन बच्चों के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, या जो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं उनके तो खैर कैरी फॉरवर्ड हो ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट और एडिशनल सब्जेक्ट वाले होते हैं उन बच्चों के लिए पहले ये प्रावधान था कि अगर वो चाहें तो प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम दें, और अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ना दें, उनको वही नंबर मिल जाएंगे। पिछले 2 सालों से सीबीएसई ने ये नियम लगा दिया कि अब वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर हमारा चैनल कैसे ग्रो होगा? आप ही लोगों की वजह से ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं तो रेगुलर बच्चों के लिए वीडियोस बना ही नहीं रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और यार तुम सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, स्क्रीन शॉट भेजते हैं, पता चलता है सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। और तुम सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, कैसे सपोर्ट कर रहे हो तुम हमें? तो अभी सब्सक्राइब कर लो, फिर हमारा वीडियो आगे की तरफ देखो। तो बच्चों, मैं आपसे बता रहा था कि आप लोग चूंकि जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे तो आपसे फ़ीस ली गई होगी। हमने प्रूफ दिखाया था कि कैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों से 2250 रुपये ले लिए गए 6 सब्जेक्ट के, जबकि 1800 रुपये लेने चाहिए थे, 450 रुपये, मतलब 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की फ़ीस ले ली गई। ऐसे ही जिन बच्चों को 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देना था, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाले बच्चों का तो कैरी फॉरवर्ड होना है नंबर, उन बच्चों से भी 150 रुपये ले लिए गए। अच्छा खैर चलो ठीक है, मान लिया 150 रुपये ले लिए गए, लेकिन जब एग्ज़ाम होना ही नहीं प्रैक्टिकल का तो फिर फीस ली क्यों जा रही है? आप अभी अपना जो कंफर्मेशन पेज है उसको देख करके हमें बताओ कि क्या आपसे भी फीस ली गई है। हेलो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कम्पीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। दिस संडे लेट्स रिवाइज प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से, और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 के हिस्ट्री के फाइनल टर्म एग्जाम 20 दिसंबर को होने हैं, जिसमें बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो अपनी लास्ट मिनट प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ज्वाइन करें रिवीजन सीरीज। फ्री और लाइव अवेलेबल है अनअकैडमी पर, जहां आपको इंटायर सिलेबस का रिवीजन, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और पेपर एनालिसिस भी मिलेगा। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब अगर फीस ली गई है तो एक क्वेश्चन तो मन में आ सकता है कि क्या सीबीएसई ऐसा तो प्लान नहीं कर रही कि आगे चल करके प्रैक्टिकल एग्जाम भी ले ले? हो भी सकता है भाई,
रूल्स हैं, अगर आपसे उन्होंने प्रैक्टिकल की फीस ली है तो लीगली आपसे प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी तय है कि प्रैक्टिकल का मार्क कैरी फॉरवर्ड होना है तो प्रैक्टिकल होना नहीं है। अब अगर अचानक से CBSE ये घोषणा कर देती है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे, फिर तो आप लोगों के लिए आफत आ जाएगी। आफत इस बात की आ जाएगी कि कहाँ से आप प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाओगे, कौन सा प्रैक्टिकल करोगे, कहाँ करोगे, इतना टाइम बीत गया, सब कुछ भूल गया है आप लोगों को। अच्छा बताओ, यकीन बताओ, सच सच बताना बच्चों कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका हो जाता है, कितने परसेंट बच्चे आप में से हो जो तैयार हो, और कौन कौन चाह रहा है कि आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाए। वैसे हो तो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जो प्रो रेटा बेस पे नंबर मिलता है ना, उसमें अगर तुम 50% पाए थ्योरी में तो 50% इसमें भी पा जाओगे। जो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इनजस्टिस है, जो बच्चे नीट में जा रहे हैं, जो JEE में जा रहे हैं, उनके नंबर अलग अलग नहीं सो होते हैं प्रो रेटा बेस में, एक ही कॉलम में आता है, प्रैक्टिकल वाले कॉलम में डैश डैश लगा होता है, तो उन बच्चों को वहाँ दिक्कत होती है काउंसलिंग या एडमिशन के टाइम पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रैक्टिकल होना ही है तो शुरू में बता देने में क्या बुराई थी। आप प्रैक्टिकल की फीस ले रहे हो, अब या तो कहीं कोई सिस्टम का एरर है जो इस वजह से बच्चों की फीस ले रहा है। पहले भी ये दिक्कतें आई थी, पिछले सालों में भी हमने इसके बारे में अपनी आवाज़ उठाई और तब जा करके ये फीस कटना बंद हुआ। तो अगर बच्चों आप लोगों के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाता है तो आप कितने तैयार हो, और आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे हो, प्रो रेटा बेस के आधार पर आप नंबर चाह रहे हो, ये हमें कमेंट में बताइएगा। क्योंकि अगर आप बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई जो बच्चे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर हम इस बात को और उठाएंगे और CBSE से क्लेरिफिकेशन मांगने की कोशिश करेंगे कि भाई जब हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना ही नहीं है, आपके रिसोर्सेज का यूज़ हमें करना ही नहीं है, तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस क्यों ली जा रही है। और अगर ली जा रही है तो बहुत सारे बच्चे जो चाह रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल हो, हम प्रो रेटा बेस के आधार पर नंबर नहीं चाहते, क्या उन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाया जाएगा? क्योंकि ये छोटा सा मुद्दा नहीं है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान है और कई सारे बच्चों का फ़ायदा भी है। तो जिसका फ़ायदा है वो चाहेंगे कि हमारे फ़ायदे वाली बात हो, जिसका नुकसान है वो चाहेगा कि ऐसा ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, इस पर थोड़ा सा विचार करो और कमेंट करके तब तुम इस वीडियो को बंद करना। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिन बच्चों की फ़ीस कट गई है, अगर वो ये चाह रहे हैं कि हमारी फ़ीस वापस हो जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। फ़ीस तो वापस होने से रही बच्चों, फ़ीस वापस होगी नहीं। अब चूंकि लग गया, और शुरुआत में देखो मतलब बड़ी सी बड़ी बात है, शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं गया। अभी जब मैंने पिछले 2-3 वीडियोस से कहा कि बच्चों आप लोग कन्फर्मेशन पेज हमें भेज सकते हो और मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका कन्फर्मेशन पेज सही है या नहीं है, आपका फॉर्म सही से भर गया है कि नहीं, तो सैकड़ों की संख्या में और सैकड़ों के हज़ारों की संख्या में हमारे पास कन्फर्मेशन पेज आए, और उनको जब मैंने देखा तो एक बात मैंने नोटिस की कि इन बच्चों के जो नॉर्मल फीस है वो तो ली जा रही है, 300 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है तो वो तो ली जा रही है, प्रैक्टिकल की फ़ीस भी ली जा रही है, जिसका एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो दे रहा है उसको 300 रुपया देना था, उससे 450 रुपया लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जब ये बात समझ में आई तो मैंने इस पर वीडियो बनाया, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा ही नहीं। अभी उस वीडियो को देख लो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, क्योंकि यार मैं तुम्हारे लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ और लोग व्यूज़ के चक्कर में रेगुलर बच्चों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, तुमको सबने किनारे कर दिया है, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें तो मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए ना। ये तो यार वही बात हुई कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करके खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था, लड़ झगड़ करके हम लोगों ने ऐसा करवाया। हालांकि आप लोगों का भी योगदान है, आप लोग भी CBSE से लड़े हो, रिप्रेजेंटेशन भेजा है, हमारा कहना माना है आपने, तब ये दिन देखने को मिला है। लेकिन बच्चों अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा, फिर मैं तो चाह रहा था कि इसी दिसंबर तक हमारा ये चैनल 1,00,000 को पार कर जाए, लेकिन तुम लोग तो यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, ना कर रहे हो ना करवा रहे हो। तो ये काम तुम अभी करोगे और कल अनअकैडमी का एक कॉम्बैट होना है, उसको जरूर ज्वाइन करोगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।